नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज ऑफ अर्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर आ गई है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि कोई कैसे वो चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश और चीन के बीच में कुछ ऐसा हो गया जिससे चीन की तो पूरे विश्व में नाक कट गई है, ऐसा मान लीजिए। और बांग्लादेश के लिए भी ये बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, बहुत ही परेशानी वाली चीज़ है। अच्छा, लेकिन उससे खुश होने के लिए भारत के लिए भी कोई बहुत कुछ नहीं है। बस ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा अगर दुश्मन परेशान है तो हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि पूरी न्यूज है क्या। दरअसल दोस्तों, क्या है कि चाइना ने बांग्लादेश को कुछ सैनिक सामान भेजा है, कुछ वेपन बेचे हैं। उसको उसमें एयरफोर्स का सामान भी है, नेवी का भी है और आर्मी का भी है। दोस्तों, ये जो भी हथियार बांग्लादेश को बेचे हैं चीन ने, वो सभी जो उसमें आइटम लगे हुए हैं, जो भी प्रोडक्ट लगा हुआ है, वो सब स्टैंडर्ड है। यानी कि वो जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। ये समझ लीजिए कि उसने अपना 1966 का एक एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट, वो उसने बेच दिया। उसका नाम है F-7। F-7 सोचिए दोस्तों, 1966 का। अब इतना पुराना उसने बांग्लादेश को भेज दिया है। अब वो सही से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फ्लाई नहीं कर रहा है, मतलब इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। सोचिए, बांग्लादेश ने इस पर्पस से लिया था हथियार कि वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्न कर देंगे, और इस तरह के वेपन रहेंगे तो वो कैसे मॉडर्न करेंगे। अच्छा दोस्तों, चाइना से कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है जो परचेस करते हैं हथियार। बस ये समझ लिए कि गिने चुने ही लोग हैं जो परचेस करते हैं, उसमें से एक बांग्लादेश है। और जैसे बांग्लादेश परेशान है, ऐसे ही म्यांमार भी परेशान है, क्योंकि म्यांमार को भी बेचा था चीन ने, और उसके साथ भी यही हालत निकली है कि उसमें जो एक क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। अब दोस्तों, अच्छा चलो बेच तो दिया, क्वालिटी भी ख़राब लगा दी। उसके बाद अब सोचिए दोस्तों, ख़राब क्वालिटी लगाने के बाद चीन ये कह रहा है कि आप हमें और पैसे दे दीजिए, फिर हम इसको सही करेंगे। दोस्तों, ये सोचिए कि ख़राब चीज़ दे दी है, अब उसको सही करने के लिए भी उनको पैसे चाहिए। अपना कूड़ा कबाड़ तो बेच ही दिया है। ये समझ लीजिए कि उसमें दोस्तों, चाइना ने इनको बांग्लादेश को हर एक चीज़ बेची है हथियारों में, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, सभी को मतलब जो भी सामान मिला सब में कमियां हैं। अब बांग्लादेश के दिल से पूछिए कि दोस्तों, उसके दिल में क्या बीत रही होगी। कोई भी देश अपनी आर्मी को कब मजबूत कर रहा होता है, अपनी पास इक्विपमेंट डिफेंस के क्यों पर रखता है, ताकि वो किसी भी तरह का उसके ऊपर हमला होता है तो वो उसका जवाब दे सके, समय पर जवाब दे सके। अब सोचिए दोस्तों, जो 50-60 साल पुरानी चीज़ें मिल रही हूँ बांग्लादेश को, तो वो क्या ही क्वालिटी वो प्रोडक्ट देता होगा। अब ये समझ लीजिए कि चीज़ें वो ख़राब हैं, कोई बहुत अच्छी नहीं है कि बहुत अच्छा लंबे समय तक वो चलेगा। तो अब दोस्तों सोचिए, उस वक्त अगर युद्ध हो रहा हो और इस तरह की चीज़ें हों, तो क्या हाल होगा किसी भी कंट्री का। सोचिए दोस्तों, कितनी गंभीर बात है। और चाइना को भी इस तरह सी चीज़ें, अच्छा एक चीज़ और भी है दोस्तों, जब चाइना के पास वैसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो प्रोडक्ट बेचेगा कैसे, क्योंकि चाइना के ये पहली बार नहीं हुआ है। चाइना ने इससे पहले भी और भी देशों को बेचा है जिसमें कि कमियां निकली और इसी तरह परेशानी उसको सामना करना पड़ा। ये तो दोस्तों रही बात बांग्लादेश की। अब इससे चीन को भी एक चीज़ समझ में आता है कि ये पूरी जो न्यूज है ये पूरे वर्ल्ड में फ्लो कर गई है। अब सोचिए, चाइना की इमेज क्या रह गई होगी कि उसने जो सामान बेचा वो भी फॉल्टी है। ये तो कोई भी मतलब टॉलरेट नहीं करता है, लेकिन चाइना के केस में चाइना को तो टॉलरेट करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आप अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि चाइना मतलब क्या क्वालिटी रखता होगा, क्या वो अगर हमसे युद्ध लड़ना पड़ गया तो यकीन मानिए चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना के पास वो क्वालिटी ही नहीं है जिससे वो कोई रेजिस्टेंस दिखा पाए। ये ज़रूर है चाइना के पास पैसा बहुत है, वो अपने बस उसी पैसे का उसको घमंड है।
अदरवाइज चाइना के पास क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह भी खरीद कर लाते हैं चाइना की, कहते ही हैं कि ठीक है चल गई तो ठीक है, चांद तक नहीं तो शाम तक, ऐसा ही बोलते हैं जब लगाते हैं कोई भी चाइनीज़ आइटम। हालांकि मैं तो अपनी बात करूं तो मैं चाइनीज़ आइटम अनजाने में अगर कुछ ख़रीद लूं तो ख़रीद लूं, बाकी मैं अवॉइड करता हूं चाइनीज़ आइटम कुछ भी परचेस करने के लिए। तो दोस्तों भारत के लिए इससे खुश होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बांग्लादेश अगर चाइना से ख़राब सामान मिल रहा है तो हमसे नहीं परचेस करने आ रहा है। अगर बांग्लादेश परचेज भी करने के लिए सोच रहा है तो तुर्की के साथ परचेस करने की सोच रहा है, सोचिए दोस्तों, जबकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है लेकिन हमसे नहीं परचेस कर रहा। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये तर्क दे रहे हैं कि कल को अगर बांग्लादेश को युद्ध करना पड़ा तो इंडिया से करना पड़ेगा, इसलिए वो इंडियन हथियार को नहीं रखना चाहता है। दोस्तों इंडिया से ही क्यों उसको युद्ध करना पड़ेगा, चाइना से क्यों नहीं करना पड़ेगा, चाइना भी तो उसका पड़ोसी है, उसको नहीं परचेस करना चाहिए। तो इस तरह की बातें कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगती हैं कि हमसे हथियार खरीद लेगा तो वो कल को हमसे लड़ाई नहीं कर पाएगा या कुछ हो गया। मान लीजिए चाइना ने अपना हथियार बेच दिए, अब चाइना ही कुछ अगर उसकी ज़मीन कब्जाना स्टार्ट कर दे तो क्या कर लेगा बांग्लादेश, फिर तो परेशानी है ही है ना। तो ऐसे ही भारत के साथ भी है, कोई क्यों आपकी ज़मीन कब्जाएगा, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए आप हमसे ख़रीद लो, आप यूज करो। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।